तो एक्सेल 2021 मतलब कि 365 के अंदर में एक नया फीचर आया है, वो आया है डेटा टाइप्स। ओके सर, डेटा टाइप्स क्या करता है, चलिए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, और दिल्ली सेलेक्ट करके जब दिल्ली के ऊपर यहाँ पे डेटा टाइप में हम देखेंगे कि हाँ ये जोग्राफिकल डेटा है, हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ एक तो अब जिसको दिल्ली से नहीं समझ पाया तो दे देगा कि डेटा सेलेक्ट करो, तो दिल्ली है, हाँ दिल्ली है। अब इसके ऊपर इस तरह का प्लस का डू लिस्ट का साइन सर हो जाएगा। सर सर बोलिए। हेलो सर, रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए हाँ सर, जी जी ऐसा है जी कि अभी नेट मेरा डिसकनेक्ट चलिए, सर, तो आप शुरू जैसे कीजिए सर ऐसे। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अब डेटा टाइप पे जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एरिया, तो कितना स्क्वायर एरिया में है वो आ जाएगा। मैंने यहाँ पे डाल दिया कैपिटल मेजर सिटी न्यू दिल्ली है, इस पे क्लिक किया, मैंने इमेज चाहिए इमेज आ जाएगा, लार्जेस्ट सिटी चाहिए या नेम चाहिए या पॉपुलेशन चाहिए, तो पॉपुलेशन क्लिक किया, पॉपुलेशन आ गया। तो किसी भी सिटी के बारे में आप इस तरह से जान सकते हो। सर ऐसा है कि सर कहाँ से मैं गया सर, ये मेरे ला पास सर मैं बता रहा डिस्कनेक्ट हूं हो महेंद्र गया जी, सर। सबर कीजिए, बता रहा। ये आपका डेटा टाइप के अंदर जो ये होता है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया स्टॉक, जैसे कि मैंने एसबीआई का स्टॉक एसबीआई आईएन स्टॉक कोड डाल दिया, और मैं यहाँ पे आया और स्टॉक पे क्लिक कर दिया। स्टॉक पे क्लिक करते ही क्या हुआ, ये इस तरह से स्टॉक आ गया। आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ऊपर में प्लस वाले में, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया प्राइस, किसकी कितनी प्राइस थी, तो स्टॉक प्राइस 625 रुपया आप देख पा रहे हैं कि आ गया। लास्ट लो कितना था और लास्ट हाई कितना था, ये इंटरनेट से आएगा इसलिए इंटरनेट भी आपके पास होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए करेंसी, मुझे करेंसी का रेट चाहिए, और करेंसी के रेट में लिख दिया मैंने यहाँ पे USD/INR, तो यूएसडी के अगेंस्ट में INR आ जाएगा। अब इस पे क्या करेंगे, तो डेटा टाइप में जाइए और इस बार सेलेक्ट कर लीजिए करेंसी। हमने करेंसी को सिलेक्ट कर लिया, और करेंसी सिलेक्ट करते ही क्या हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसकी प्राइस को लेके क्लिक कर दिया, तो ये आपकी प्राइस 82 रुपये 53 पैसे आ चुके हैं, राइट सर, 82 रुपये 53 पैसे। और ये इंटरनेट से आता है तो इंटरनेट होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा स्टॉक आ गया। उसके अलावा इसमें और भी डेटा टाइप्स है, जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हैं एटोमनी है, एनिमल केमिस्ट्री सब देख सकते हैं। मान ली H2O हमने लिख दिया H2O, और इसको सिलेक्ट करके हमने केमिस्ट्री कर दिया यहां पे। ये देखिए वाटर आ गया सर। अब इसका जो भी चाहिए आप यहां देख सकते हैं, यहां पे लिख दिया हमने 3D स्ट्रक्चर, जी आ गया 3D स्ट्रक्चर सर वाटर का, जी ठीक है। तो जी डेंसिटी चाहिए, देखिए यहां पे डेंसिटी आ जाएगा। तो जो भी चाहिए यहाँ पे डेटा टाइप्स में आ जाएगा, यहां से आप ले सकते ठीक है। पैसा पैसा अब डेटा टाइप के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिल्टर। शॉर्ट तो नॉर्मली है, आपने बताया था फिल्टर ही बताया था इसमें, एक एडवांस फिल्टर्स के बारे में। एडवांस फिल्टर कि मेरे पास फिल्टर की बहुत सारे क्राइटेरिया है, उसके बिहाफ पे फिल्टर हो। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि मुझे पूजा का टोटल चाहिए, पूजा का चाहिए जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है। फिर मुझे सिटी चाहिए, यहाँ यहाँ पे सिटी चाहिए पुणे का, जिसका MRP लेस देन 60 हो, ऐसे चाहिए, जो कि हमने आपको डेटाबेस डी सम फॉर्मूले में बताया था सेम उसी तरह से। तो इसको सिलेक्ट करके हम एडवांस फिल्टर पे जाएंगे, और हम क्राइटेरिया में यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और है कि ये फिल्टर करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं इसको अनदर लोकेशन से, मुझे इसको कॉपी करना है अनदर लोकेशन में, तो अनदर कॉपी, और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट करते ही देखिए
आपके सामने इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट में डेटा को यहाँ फिल्टर कर कॉपी पेस्ट कर दिया फिल्टर करके। लेकिन यार एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कॉपी पेस्ट कराइएगा सिर्फ कॉपी पेस्ट जो करेगा वो ओनली फॉर सेम सीट पे करेगा, डिफरेंट सीट पे नहीं करेगा। अगर आपको डिफरेंट सीट पे चाहिए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदीप जी कैमरा ऑफ कर लीजिए प्लीज। ये हमारा एडवांस फिल्टर था। एडवांस फिल्टर के बाद यहां पे आता है टेक्स्ट टू कॉलर। टेक्स्ट टू कॉलर का यूज होता है जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया सुजीत कुमार सिंह, और मुझे इसको अलग अलग कॉलम में चाहिए। मान लीजिए बहुत सारा नेम है, इस तरह से हो सकता है, अभी तो कम ही है लेकिन बहुत सारा नेम हो सकता है। तो ये तो आप यूज किए होंगे। टेक्स्ट टू कॉलम में आप जाइए, डिलिमिटर पे जाइए, नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए कि मुझे स्पेस के अकॉर्डिंग कर दे, तो स्पेस लीजिए एंड नेक्स्ट फिनिश। ये अलग अलग सेल में ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है और क्या यूज हो सकता है। देखिए इसका यूज बेसिकली हम दो तीन केसेस में करते हैं। जैसे कई बार हमने अपना नंबर को टेक्स्ट में लिख दिया हुआ है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है नंबर में, तो जनरली हम लोग वैल्यू या नंबर वैल्यू का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन ये तो डिफरेंट सेल में होता है, मुझे अपने को इसी सेल में कन्वर्ट करना है। तो इस सेल को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे टेक्स्ट टू कॉलन और हमने जस्ट कर दिया फिनिश, कन्वर्ट हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हमारा डेट को भी लोग जो है यहाँ पे कुछ लोग, जैसे मैंने यहाँ पे 20 जैन कर दिया और डेट जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएं, उससे अच्छा है कि यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलन और फिनिश कर दे, ये डेट बन जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि डेट हमारा कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होता है कि 20/03/02022। अब मुझे ये डेट नहीं है क्योंकि डॉट लगा है तो डेट नहीं है, तो इसको डेट नहीं मान रहा है, अब मुझे इसको डेट में कन्वर्ट करना है। तो टेक्स्ट टू कॉलन, नेक्स्ट, एक बार और नेक्स्ट, और यहाँ पे MDY या DMY जो है वो सेलेक्ट करके हमने फिनिश कर दिया, नहीं हुआ सॉरी, एक हमने यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट DMY ही सिलेक्ट करना होगा एंड फिनिश, नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? अच्छा वो मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, इस पे क्लिक करना होता है DMY। अब चेंज हो गया सर डेट में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2022 जीरो, यहाँ पे हम डाल दिया 12 एंड 15। अब ये देखने में आपको नंबर लग रहा है बट एक्चुअली में डेट है आज का 2022, 12वां महीना 15वां तारीख। अब इसको एक डेट फॉर्मेट में बनाने के लिए भी हम टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे DMY करके हमने YMD, सॉरी यहाँ पे होगा YMD एंड फिनिश कर दिया, फिर सिलेक्ट नहीं किया क्या मैंने? YMD डेट बन गया। उससे उस पर मैंने चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करता था, इस कारण से नहीं होता था। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये टेक्स्ट टू कॉलम फॉर्मूला आता है। उसके बाद आता है रिमूव डुप्लीकेट। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे डेटा होते हैं इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स होते हैं, उसको इग्नोर, उसको डिलीट कर देना है, यूनिक लाना है, ऐसे बाकी एक रह जाए बाकी डिलीट हो जाए। तो यहां से डिलीट करते हैं और ओके करते हैं, पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा डिलीट हो गया। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट जो आता है वो आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन, अब मान लीजिए मुझे यहाँ अमाउंट टाइप करना, मैं चाहता हूं कोई भी नंबर यहाँ इसमें ना हो, टेक्स्ट में ना हो, कोई भी नंबर टेक्स्ट में ना हो,
तो इसके लिए क्या करें? टेक्स्ट जगह पे यहाँ पे होल नंबर भी कर देता हूँ मैं, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं होल नंबर, और मैंने यहाँ लिख दिया कि इज ग्रेटर देन 0 एंड ओके। अब यहाँ पे मैं टू टाइप करता हूँ, ले लेता हूँ, टेक्स्ट टाइप करूंगा लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि नंबर चाहिए, और डेसिमल्स में डालूंगा? नहीं लेगा, क्योंकि हमने होल नंबर सेलेक्ट किया था। तो आप डेसिमल चाहते हो तो यहाँ पे आप जो होल नंबर की जगह पे डेसिमल सेलेक्ट कर। इसमें आता है लिस्ट, जैसे कुछ समय सिटी लिस्ट है, एक पर्टिकुलर लिस्ट है, ड्रॉप डाउन सिस्टम बन के आ जाए, तो उस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, डेटा वैलिडेशन में जाइए, यहाँ पे लिस्ट, और लिस्ट में मैंने यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए आप कहीं पे सिलेक्ट भी कर सकते हो, अगर है लिस्ट, जैसे नेम लिस्ट मान लीजिए है, तो हम नेम को सिलेक्ट कर लिया, या फिर आप लिखना चाहो तो कॉमा कॉमा करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं है इसमें। एंड ओके करें। अगर हम सीक्वेंस से अपना नाम लिखेंगे तो कॉमा की जरूरत पड़ेगी ना सर? इन्वर्टेड कॉमा की बात की मैंने, अच्छा। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मंथ है, यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, मंथ है, मंथ को सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम में चले गए, सॉरी टेक्स्ट कॉलम कहते हैं, डेटा वैलिडेशन में, और लिस्ट पे आ गया। लिस्ट पे आने के बाद हम यहाँ पे मान लीजिए लिखते हैं जैन कॉमा फैब, जनरली हम लोग करते हैं ना, इनवर्टेड कॉमा लिखते हैं, इसमें इनवर्टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं है, मार्च, ठीक है? इस तरह से कॉमा कॉमा करके दे सकते हैं आप। ओके, जी, तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस, अगले क्लासेस में हम बात करेंगे इस। सर जो ये जो सर ये आगे वाला जो था सर, ऐसे केमिस्ट्री के पहले वाला सर, हाँ सर जो केमिस्ट्री के पहले ये जो था सर, ऐसे फॉर्म हाँ टेस्ट हाँ फॉर्म वेब, ये सब सर नहीं सर होगा, कोई कुछ नहीं है केमिस्ट्री के पहले सर, इसके पहले यहाँ ये पे सब सर। बोल रहा है, तो एक क्यूरी बताया था ना आपको, तो जी, डेटा कनेक्टिविटी उसी क्यूरी कनेक्शन शो होता है यहाँ पे। अच्छा, उसी से रिलेटेड है वो सब। हाँ ठीक है, जी सर। चलो मिलते हैं कल सेम टाइम।